सो हे गाइस, दिस इज सुमित पांडर एंड यू आर वाचिंग नाउ माय यूट्यूब चैनल मिस्टर धार MP11। सो गाइस, अभी मैं हूँ मांडव में और मांडव की बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ यार। ये है तारापुर गेट और तारापुर फोर्ट है ये। तारापुर गेट पर जैसे ही आप नीलकंठेश्वर मंदिर से आओगे ना, बस वहाँ से ये रास्ता है, अंदर से आता है, थोड़ा सा इंटीरियर है यार, बट ये है ना फोर्ट बहुत ही शानदार है यार। और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप। चलिए आते करीब से देखते हैं यहाँ का व्यू, बहुत शानदार व्यू है। इस फोर्ट को जो बनाने का मेन रीज़न था ना, वो ये था कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से इस फोर्ट को बनाया गया था और यहाँ से सैनिक रक्षा करते थे। तो भाई यहाँ का जो व्यू है ना बहुत शानदार है, क्योंकि यहाँ से आप पूरे मांडव पे वॉच कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो क्या प्यारा व्यू है यार, कितना शानदार व्यू है। ये देख रहे हो आप पीछे, ये तो वो रहा तारापुर घाट। नीचे आप रास्ता देख सकते हो, है ना, वहाँ से ये पूरा तारापुर घाट है, पूरा नीचे उतर के जाएंगे और यहीं से उस टाइम में सैनिक यहाँ से रक्षा करते थे अपने किले की, मांडव की, ताकि आपको सभी मतलब जो भी दुश्मन से खतरा हो वो दिख जाए। और यहाँ का व्यू बहुत शानदार है भाई, आप कभी आओ, आप यहाँ पर बारिश के दिन में आओ तो आपको कश्मीर वाली फीलिंग होगी यार। तो चलिए मैं आपको इस व्यू को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। फ्रेंड, ये है वो तारापुर फोर्ट और अभी मैं जा रहा हूँ जस्ट ऊपर, वहाँ जहाँ प्रहलाद भैया खड़े हैं। तो ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का व्यू। चलिए चलते। सो फ्रेंड, अभी हम हैं तारापुर फोर्ट पे और ये है हमारा भाई, हमारे जिगरी प्रहलाद भाई, और ये गाइड है, एज ए गाइड, और ये मुझे इस फोर्ट पे लाए हैं। और आज पहली बार मैं मांडव में इस फोर्ट पे आया हूँ, तो ये पूरा गाइड करेंगे कि ये क्यों बना था, किस लिए बना था, और पूरे इस बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, इस फोर्ट को विजिट करते हैं। हाय गाइड, स्पेशल दृष्टि से बनाया गया व्यू देख रहे हैं, करीब करीब पश्चिम निमार से 365 बुचर वो ऊँची वेवली पे बना हुआ। उनका मेन रीजन था कि मांडव की सुरक्षा की दृष्टि से इस फोर्ट से दुश्मनों की नज़र रखी जाए ताकि मांडू सुरक्षित रहे, इसका मेन उद्देश्य बनाने का यही था। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बारिश में रेनी सीजन में देखेंगे तो सेम टू सेम कश्मीर जैसा दिखाई देगा। ये तो जन्नत की वेवली है, अगर आप देखेंगे और कभी मांडू की विजिट पे देखेंगे तारापुर तो आपका मन मोह जाएगा, आपकी इच्छा नहीं होगी कि यहाँ से उठ के कहीं जाया जाए। आप अपने परिवार और फैमिली के साथ इस फोर्ट का आनंद ले सकते हैं और मांडू की वादियों की सुनहरी यादों का लुत्फ ले सकते हैं। और आप बिल्कुल पधारिएगा, आपका वेलकम टू यू मांडू विजिट के अंदर।
तारापुर फोर्ट में। तो ये थे हमारे प्रहलाद भाई और इनकी बातें आपने सुनी, कितना अच्छी जगह लेके आए यार। ये फोर्ट देख रहे हो आप, यहाँ से इसका व्यू देखोगे ना, बारिश के टाइम में आओ आप, आपको यहाँ कश्मीर वाली फीलिंग हो जाएगी। नीचे का आप दृश्य जो देख रहे हैं, ये विंध्याचल पर्वत का लास्ट भाग है मालवा, वो जो नीचे का फोटो दिख रहा है ये सतपुड़ा निमाड़ में इसकी पहचान होती है। यहाँ से आफ्टर देन 250 किलोमीटर का एरिया दिखाई देगा, पूरा पश्चिम निमाड़ बेल्ट है, ये मालवा का लास्ट भाग है, विंध्याचल पर्वत की लास्ट वर्णमाला है। और यहाँ से सतपुड़ा पश्चिमी निमाड़, और यहाँ से आपको कम से कम 250 किलोमीटर का व्यू दिखाई देगा। 250 किलोमीटर तक दिखता है यहाँ से। मॉर्निंग टाइम में आप देखेंगे, सुबह सूर्य की किरण नहीं निकलेगा उसके पहले देखेंगे आप, तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल इज द आर्टिकल एंड द फॉरेस्ट व्यू। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यार, और मुझे है ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के, और दिल खुश हो गया यार आज। मतलब मानव में कई बार आया हूँ पर इस फोर्ट को मैंने कभी नहीं विजिट किया, और भाई ने दिल खुश कर दिया यार, प्रहलाद भैया दिल खुश कर दिया आपने। आई 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 फैमिली दोस्तों को लेके आई और मांडो की इन वादियों का लुप्त उठाई है। और चलते हैं अब आगे, इस फोर्ट को विजिट करते हैं। अभी तो एक प्लेस था ये, अभी आगे तक बना हुआ है, वहाँ तक बना हुआ है ऊपर तक, लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं ऊपर तक और देखते हैं इस फोर्ट को। यार जहाँ पे एडवेंचर के अटेम्प्ट होते हैं, जहाँ पर बलून, पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग, स्काई डाइविंग, सारी चीजों का वहाँ पर लुप्त उठा सकते हैं। बारिश के समय में सारे एडवेंचर यहाँ से हो जाते हैं और पूरा प्राकृतिक आनंद हाँ। बारिश के अंदर आप ले सकते हैं एडवेंचर में, फॉग वाला वलून चलता हैगा एडवेंचर के अंदर, फायर चलता है हाँ। फिर चलो तो ऊपर उड़ने वाला हाँ। पैराग्लाइडिंग सारा तो, और प्राकृतिक आनंद ले सकते हैं आप यहाँ से पूरे मांडू का। जो मीराबाई की जिरात का जो क्षेत्रफल है आफ्टर देन 2.5 किलोमीटर का है, 2.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा, जहाँ पर आने वाले समय में एरोड्रम बनने की संभावना है। विगत समय से, काफ़ी समय से उसकी एरोड्रम की स्वीकृति है, लेकिन अभी तक शासन ने तो ध्यान नहीं दिया। अगर ये एरोड्रम बन जाता है तो आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा रहेगी और जन्नत का आनंद ले सकेंगे मांडो की वादियों। सही बात है। तो भाई ऊपर हेलीपैड या एयरपोर्ट टाइप का बने का है, 2.5 किलोमीटर का रणमाप हैगा, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग और सारे एडवेंचर शूट किए जाते हैं। तो ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, यहाँ पर पूरा ऊपर तक पूरा प्लेन है, प्लेन है, और वहाँ बहुत अच्छा मतलब व्यू है कि जहाँ पर आप हेलीकॉप्टर रख सकते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर उतर सकता है, हेलीपैड बन सकता है। तो ये मांडव के लिए बहुत ही खुशी वाली बात है यार कि यहाँ पर जो है हेलीपैड बन सकता है, पर्यटकों को विशेष सुविधा हो जाएगी अगर एरोड्रम बन जाएगा। अभी दिग्गज सालों से बहुत सीक्रेट पड़ा हुआ, लेकिन शासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो मांडो पर्यटक स्थल के लिए ये चीज अगर जरूरी हो जाती तो पर्यटक सीधा फ्लाइट से आ सकता है, सीधा फ्लाइट से आ सकता है। तो यहाँ पर फॉरेनर्स काफी आते हैं और उन लोगों को पता है दिक्कत यही होती है कि उनको बार बार बस चेंज करना पड़ती है या ट्रेवल का सहारा लेना पड़ता है। अगर हेलीपैड यहाँ पे बन जाता है ना, तो वो डायरेक्ट इंदौर से या दिल्ली से या जो भी बड़ी सिटीज है वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं यहाँ पे, और सारे प्राकृतिक आनंद का लुत्फ उठा सकते हैं, पैराग्लाइडिंग, एडवेंचर के जितने और प्राकृतिक आनंद, बलून, तो सारे एडवेंचर यहाँ पे कर सकते हैं। और ये पैराग्लाइडिंग से लेके सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं। ये व्यू देख रहे हो आप 250 किलोमीटर का, ये देखिए क्या खूबसूरत जगह है यार। और बारिश में तो जन्नत बन जाती है, बारिश में आओ कभी आप। बारिश मांडो की ऐसी ये है इसकी क्वालिटी की, बारिश के अंदर सारा बादल जमीन से उतर जाता है, तो यहाँ पर है ना फॉगी फॉगी सा हो जाता है और पूरा बादल नीचे आ जाता है। और ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये पूरा बादल से ढक जाता है और ऐसा लगता है बादल के अंदर ही हैं, चल रहे हैं। एक बार मैंने ऐसा देखा तो आप तो बादलों के साथ ही चल रहे हैं, जैसे हमें एहसास होता है कि हम बादलों के साथ शेयर कर रहे हैं। एक बार मैं यहाँ पे आया हूं। जो दृश्य है नीचे का प्राकृतिक निमाड़ का दृश्य, जब बादल नीचे उतरेगा तो प्राकृतिक दृश्य खत्म हो जाएगा, सिर्फ फॉग दिखेगा, फॉग दिखेगा, और फॉग के अंदर आप वेवली के अंदर आप जनरी कर रहे हैं। सही बात है, सही। और आइए मांडो का लुत्फ उठाइए। तो जब फॉगी फॉगी हो जाता है ना यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया लगता है यार। और वो देखो वो रूट देख रहे हैं आप, वो तारापुर घाट का, वो यहाँ ये सीधा चलेगा महेश्वर को ले, इस पहाड़ों को काट के सीधे महेश्वर ओंकारेश्वर को डाइवर्ट कर दिया है।
सीधे, और यहाँ से आप पूरा चले जाओगे महेश्वर तक। और क्या व्यू है यार, मतलब आइए आप सीधा यहाँ से 16 किलोमीटर में सीधा नेशनल हाईवे होटल प्लास से जुड़ जाएगा। नेशनल हाईवे से, होटल प्लास से आप जुड़ जाओगे सीधे नेशनल हाईवे पे, और ये महेश्वर चला जाएगा ना, सीधा महेश्वर रोड चले जाएगा, और जहाँ से आप ओंकारेश्वर के लिए भी हो जाएगा। और रास्ता बहुत बढ़िया है, पहाड़ों को काट के बनाया गया है। और जरा व्यू देखिएगा, व्यू देखो आप, मैं आपको बैक कैमरा। क्या खूबसूरत जगह है यार, मजा आ गया मुझे। ये तारापुर का जो गेट है ना, बहुत खूबसूरत है, और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही शानदार है भाई। तो कभी आओ यहाँ पे विजिट करो, और यहाँ का जो व्यू है ना, दिल खोल के देखो यार, मज़ा आ जाएगा। क्या जगह है यार ये, मतलब क्या व्यू है यार, मज़ा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया यार। प्रहलाद भाई मज़ा ला दिया आपने, बारिश में इसका आनंद लीजिएगा। मैं बस यही व्यू में चाहता था, ये पता है, यहाँ बैठ के और ये व्यू देखना, और क्या पहाड़ियाँ दिख रही है, क्या व्यू दिख रहा है यार। मतलब बारिश में जब फोगी फोगी हो जाएगा ना यहाँ पे, और वो पहाड़ी जो मैं देख पा रहा हूँ, वो ट्रैक्टर देख पा रहा हूँ, क्या व्यू है यार यहाँ से। मतलब वाकई में 20 किलोमीटर तक का दिख रहा है, और बारिश में जब मज़ा आ जाएगा यहाँ पे, क्या व्यू है यार। मतलब ऐसी जगह, ऐसी जन्नत चाहिए थी मुझे देखने के लिए, ये क्या जगह है यार, मज़ा आ गया ऐसी जगह को देख। तो फ्रेंड, जब भी आप मांडव आओ, तो ये तारापुर वाला जो घाट है, नीलकंठेश्वर से अंदर से रास्ता आता है, इस फोर्ट को ज़रूर विज़िट करना। मतलब मांडव में मज़ा ही नहीं आएगा इसके बिना, क्योंकि यहाँ से यहाँ बैठ के जो व्यू दिखेगा ना, ये तालाब, ये पहाड़, और ये पूरी जन्नत जो दिखेगी ना मांडव की, तो दिल खुश हो जाएगा यार, मतलब बन जाएगा आपका दिन। तो ऐसी जगह ज़रूर आना, और बिल्कुल इनको देखना यार, एक बार देखना तो सही बैठ के शांति से, तो दिल खुश हो जाएगा, और मतलब सारी टेंशन हट जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ आइए, विजिट कीजिए, और इस प्रकृति का आनंद लीजिए। चलिए चलते।